एवरीवन, वेलकम टू शाजिया कनेक्ट्स। आज मैं बनाने जा रही हूँ मालपुआ। कुछ मिठाइयाँ ऐसी होती हैं जिनके बिना फेस्टिवल्स पूरे ही नहीं होते हैं, क्योंकि मिठाइयाँ सिर्फ स्वीट डिश नहीं होती हैं, फेस्टिवल्स के इमोशंस होते हैं। तो बहुत सारे इमोशन, हैप्पीनेस और फेस्टिविटी के साथ बनाते हैं ये मालपुआ। तो चलिए शुरू करते हैं रेसिपी। सबसे पहले मालपुए के लिए बैटर तैयार कर लेते हैं। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे लिया है मैदा, ऑल पर्पज फ्लावर 1.5 कप, और लेंगे सूजी 2 टेबलस्पून। इसके साथ ही मैंने यहाँ पे लिया है मिल्क पाउडर। ये ड्राई मिल्क पाउडर है जो पैकेट्स में अवेलेबल है, और ये मैं ले रही हूँ 1/4 कप। इससे मालपुए का टेस्ट बहुत अच्छा होता है। सौंफ लेंगे 1 टीस्पून। इस सौंफ को मैंने लाइटली क्रश कर लिया है बेलन या रोलिंग पिन की मदद से। इसके अलावा मैं ले रही हूँ केला, तो ये हाफ बनाना है जिसे मैंने इस तरह से मैश कर लिया है। बनाना जितना राइप हो, जितना मीठा हो, उतना अच्छा होता है मालपुए के लिए। और लिया है इलायची पाउडर 1/2 टीस्पून। 2-3 टेबलस्पून मैं इस्तेमाल कर रही हूँ कंडेंस मिल्क, आप इसकी जगह शुगर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और लिया है दूध 1/2 कप। तो अब हम चलते हैं बैटर बनाने की तरफ। इसके लिए मैंने यहाँ पे एक बाउल लिया, और सबसे पहले इसमें ऐड कर रही हूँ मैदा 1.5 कप। मैदे के बाद इसमें ऐड कर देंगे सूजी 2 टेबलस्पून। बेसिकली हम सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स पहले ऐड कर रहे हैं। मिल्क पाउडर भी ऐड कर देते हैं 1/4 कप। अगर आपके पास मिल्क पाउडर नहीं है तो आप खोआ यानी कि मावा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं सेम क्वांटिटी में। इसमें ऐड करेंगे ये क्रश्ड सौंफ यानी कि फेनल सीड 1 टीस्पून। इलायची पाउडर, क्योंकि कोई मिठाई बिना इलायची पाउडर के तो पूरी नहीं होती, 1/4 टीस्पून ऐड कर रही हूँ। और अब इन सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स को हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। ये अच्छे मिक्स हो चुके हैं, तो अब हम इसमें ऐड करेंगे दूध। तो मैं यहाँ पे 1/2 कप मिल्क का इस्तेमाल कर रही हूँ। थोड़ा थोड़ा मिल्क डालते जाएंगे और उसे मिक्स करते जाएंगे। मिल्क के अलावा हमें इसमें पानी भी ऐड करना होगा बैटर बनाने के लिए, मगर पहले मिल्क ऐड करके मिक्स करेंगे, उसके बाद पानी ऐड करेंगे। मिल्क डालने के बाद मैंने सेम कप में पानी ले लिया, और अब मैं इसमें पानी ऐड करके इसका एक बैटर तैयार कर रही हूँ। अभी बैटर की कंसिस्टेंसी पे हमें ध्यान नहीं देखना है, बस स्मूथ सा एक बैटर तैयार कर लेना है। कंसिस्टेंसी हम आगे एडजस्ट कर लेंगे, बस इतना ख्याल रखें कि बहुत ज़्यादा रनी बैटर ना हो। आप चाहें तो 1/2 कप की जगह पे 1 कप मिल्क का भी इस्तेमाल कर सकते हैं इस बैटर को बनाने के लिए, बट मैंने ऑलरेडी मिल्क पाउडर भी ऐड किया था, इसलिए मैं मिल्क 1/2 कप ही ऐड कर रही हूँ। अगर आप मिल्क पाउडर नहीं ऐड करें तो आप मिल्क की क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं, और मिल्क और पानी मिलाकर इसका एक अच्छा सा स्मूथ सा बैटर बना लेंगे। अब ये बैटर को अच्छे से हमने मिक्स कर लिया है, तो हम इसमें ऐड करेंगे ये बनाना जो मैंने मैश करके रखा था, 1/2 बनाना। और अब इसमें डाल देंगे कंडेंस मिल्क। तो ये स्वीटेंड कंडेंस मिल्क है, इसलिए मैं इसको चीनी की जगह पे इस्तेमाल कर रही हूँ। तो पहले मैंने 2 टेबलस्पून कंडेंस मिल्क डाला, उसे अच्छे से मिला लिया, और फिर 1 टेबलस्पून और। तो टोटल मैं यहाँ पे 3 टेबलस्पून कंडेंस मिल्क का इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आप चीनी का इस्तेमाल करें तो आप 4 टेबलस्पून चीनी इस स्टेज पे इसमें ऐड करके अच्छे से मिक्स कर लें। अब सभी चीज़ें इसमें जा चुकी हैं, तो इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। आपको इस स्टेज पे लग सकता है कि बैटर में लम्स है, बट वो लम्स नहीं है, जो हमने बनाना मैश करके डाला है उसके छोटे छोटे पीसेज हैं। एंड ट्रस्ट मी, वो खाने में बहुत अच्छे लगते हैं पुए के अंदर, तो उन्हें लम्स बिल्कुल ना समझें और बिल्कुल टेंशन ना लें, वो बहुत टेस्टी लगेंगे फ्राई होने के बाद। अब ये बैटर बिल्कुल रेडी है, तो हम इसे ऐसे ही छोड़ देंगे रेस्ट करने के लिए 15 मिनट, और इस टाइम पे हम बना लेते हैं चाशनी पुए के लिए। तो हम चलते हैं अगले स्टेप में, जब तक ये बैटर रेस्ट कर रहा है। चाशनी बनाने के लिए मैंने यहाँ एक पैन लिया, और इसमें ऐड कर रही हूँ 1 कप शुगर। जितना हमने शुगर लेना है उतना ही हम इसमें पानी ऐड कर देंगे। और अब इस चीनी और पानी के मिक्सचर को हम मीडियम फ्लेम पे अच्छे से पकाएंगे। चाशनी को फ्लेवर करने के लिए हम इसमें ऐड कर देंगे 2-3 पिंच केसर। आप चाहें तो यहाँ पे इलायची यानी कि कार्डमम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए अब इस मिक्सचर को हम अच्छे से पका लेते हैं, इसमें एक बॉईल आने का इंतजार करते हैं। ये देखिए अब इस चाशनी में बॉईल आ गया है। जब ये इस तरह से बॉईल आ जाए तो उसके बाद फ्लेम को हम लो कर देंगे और इसे 5 मिनट और पकाएंगे। हमें चाशनी को इतना पकाना है कि उसकी कंसिस्टेंसी स्टिकी हो जाए, मगर उसमें कोई तार या थ्रेड डेवलप ना हो। इस चाशनी को पकते हुए 5 मिनट हो गया है, और अब ये चाशनी बिल्कुल रेडी है। हमें बहुत थिक चाशनी नहीं बनानी है मालपुए के लिए। और ये देखिए, जब मैं चाशनी को इस तरह से चेक कर रही हूँ अपने फिंगर्स के बीच में, तो इसमें कोई थ्रेड या तार नहीं बन रहा है, बट ये स्टिकी है। तो हमें बिल्कुल इसी कंसिस्टेंसी की चाशनी बनानी है। तो अब हम फ्लेम को करते हैं ऑफ और चलते हैं अगले प्रोसेस में, मालपुए को फ्राई करने की तरफ। तो ये अब हमारा बैटर भी अच्छे से रेस्ट कर चुका है, तो इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी और लूज कर लेते हैं, फिर इसे फ्राई करेंगे।
तो उसके लिए मैं इसमें थोड़ा पानी ऐड कर रही हूँ और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमें इसे बहुत थिक भी नहीं करना और बहुत पतला भी नहीं, पोरिंग कंसिस्टेंसी का ये बैटर तैयार करना है। यहाँ पे मैं आपके साथ एक बात शेयर करना चाहूंगी, कुछ लोगों को मालपुए बहुत पतले और क्रिस्प पसंद है। अगर आपको क्रिस्प और पतले मालपुए पसंद है तो आप इसकी कंसिस्टेंसी और लूज कर लें, यानी कि आप जितना अभी इसकी कंसिस्टेंसी दिख रहा है उससे थोड़ी ज्यादा पतली होनी चाहिए, तो थोड़ा और पानी ऐड कर लें, उससे वो और पतला हो जाएगा तो एकदम थिक और क्रिस्पी मालपुआ बनेगा। मीडियम थिकनेस के मालपुए के लिए ये कंसिस्टेंसी बिल्कुल परफेक्ट है। ये देखिए, जब आप इसे इस तरह से चम्मच से ड्रॉप करेंगे तो ये इस तरह से गिरनी चाहिए, यानी कि ये बिल्कुल पोरिंग कंसिस्टेंसी की है। तो चलिए इसे फ्राई करते हैं। फ्राई करने के लिए मैंने यहाँ पे एक पैन लिया है और इसमें ऑयल डालकर मीडियम फ्लेम पे इसे गर्म कर लिया है। ऑयल जब गर्म हो जाएगा तो इसमें इस तरह से डालेंगे मालपुए का बैटर। मैं एक बार में अराउंड हाफ कप बैटर डाल रही हूँ। बैटर डालने के बाद हम इसे एक तरफ से पकने देंगे। इस तरह से इसके ऊपर भी तेल डाल देते हैं ताकि ये ऊपर से भी पकना शुरू हो जाए, मगर इसे अभी फ्लिप नहीं करेंगे। जब ये एक तरफ से हल्का ब्राउन होने लगे, जब एजेस आपको कलर चेंज करते हुए दिखने लगे, उस स्टेज पे आप इसको फ्लिप कर दें। तो ये देखिए, हल्के से एजेस अब ब्राउन होने लगे हैं तो हम इसे फ्लिप कर देंगे। बहुत केयरफुली आप इसे फ्लिप करें क्योंकि तेल काफी गर्म होगा। तो आप देख सकते हैं कि इसके एक तरफ से एजेस ब्राउन हो गए। अब हम दूसरी तरफ से भी इसको इसी तरह से पकाएंगे और दोनों तरफ से इसे पलट पलट के अच्छा ब्राउन करने तक तल लेंगे। मालपुआ फ्राई करते वक्त आप फ्लेम मीडियम रखें। अगर फ्लेम तेज हो जाएगी तो ऊपर से तो कलर चेंज हो जाएगा मगर अंदर से पुआ नहीं पकेगा, इसलिए मीडियम फ्लेम पे इसे अच्छे से पकने दें। और ये देखिए, अब ये दोनों ही तरफ से अच्छे ब्राउन हो गए हैं तो इन्हें हम निकाल लेंगे। मालपुआ निकालने के बाद हम इन्हें चाशनी में डिप करेंगे। चाशनी बहुत ज्यादा गर्म नहीं होनी चाहिए और ना ही बहुत ठंडी। जो नीम गुण कहते हैं यानी कि वार्म होती है, उस तरह की चाशनी होनी चाहिए आपकी। और इस तरह से आप मालपुआ उसमें डिप कर दें। तो मैंने यहाँ पे कुछ और मालपुए भी फ्राई कर लिए थे ताकि मैं आपको डिप करके सारे दिखा सकूं। मालपुओं को अराउंड एक मिनट तक चाशनी में रहने दें, या तो आप इसे पलट के दोनों तरफ से चाशनी में डिप कर दें या इस तरह से चाशनी मालपुए के ऊपर डाल दें। एक मिनट में ये अच्छे से शुगर सिरप अब्सॉर्ब कर लेंगे। इसे किसी सर्विंग प्लेट में निकाल दें। इसी तरह से हम कुछ और मालपुए भी बना लेते हैं। तेल हमारा ऑलरेडी गर्म है तो हम इसमें फिर से बैटर डालेंगे, मगर यहाँ पे मैं बैटर बहुत कम डाल रही हूँ। जैसे कि मैंने पिछली बार हाफ कप बैटर एक मालपुए के लिए डाला था, मैं यहाँ पे क्वार्टर कप बैटर डाल रही हूँ, यानी कि मैं छोटे छोटे मिनी मालपुआज बना रही हूँ। बहुत लोग मीठा अवॉइड करते हैं या कम मीठा खाना चाहते हैं तो फिर ये छोटे मालपुए बहुत कन्वीनियंट होते हैं, एंड स्पेशली फेस्टिवल्स में भी। फेस्टिवल्स में ये होता है कि इतनी मिठाइयाँ होती हैं घर पे, आप इतनी सारी डिशेस बना लेते हैं कि बहुत बड़ा सा मालपुआ खाने में लोगों को दिक्कत होती है। तो अगर आप छोटे मालपुए बनाएंगे तो सब लोग इसे इंजॉय भी कर पाएंगे और वेस्ट भी नहीं होगा, इसलिए मैं ज्यादातर टाइम छोटे मालपुए बनाती हूँ। इसे भी मैंने पलट पलट के दोनों तरफ से फ्राई कर लिया है। और छोटे मालपुओं की एक और अच्छी बात ये होती है कि इन्हें पैन में हैंडल करना भी बहुत आसान होता है। ये अच्छे फ्राई हो गए हैं तो अब हम इन्हें भी चाशनी में डिप कर देंगे। चाशनी अगर बीच में ठंडी हो जाए तो आप उसे हल्का वार्म कर लें। मालपुओं के साथ रबड़ी का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा होता है। रबड़ी की रेसिपी मैंने अपने शाही टुकड़े की रेसिपी के साथ शेयर की थी, ऊपर आई कार्ड में लिंक दे दूंगी, आप उसे भी जरूर चेक करें। और ये हमारे सारे मालपुए बनके तैयार हैं। इतने बैटर में आप अराउंड 10 मालपुए मीडियम साइज के बना सकते हैं। सो फेस्टिवल टाइम है, मिठाइयों की धूम मची है, इस फेस्टिवल टाइम जरूर ट्राई करें ये मालपुआ और मुझे बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अगर ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक जरूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।